अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, आज हम आपको Daihatsu Move का ऑयल चेंज करना दिखाएंगे। Daihatsu Move 2015 मॉडल का ऑयल चेंज करना, कैसे इसका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी का फिल्टर, सब कुछ कैसे चेक करते हैं और चेंज करते हैं। आए ये देखें, हम इसका सबसे पहले ऑयल लेवल चेक करेंगे, क्या आया, क्या इसका ऑयल लेवल कम है या ज़्यादा। ये ऑयल लेवल इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका है। ये देखिए, हम इसको 14 नंबर की गोटी से खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हल्का सा लूज कर लिया, अब इसको आपने ऑयल बहुत ज़्यादा फिल्थी डर्टी है, या ये देखें आपने फिल्टर खोल दिया। अब हम इस फिल्टर को बड़ी इजीली इसके अंदर ड्रेन कर लेंगे। क्या करेंगे, इंजन ऑयल को जो गंदा है उसका आपके हाथ को ना लगे, बहुत कम कॉन्टैक्ट हो आपके हैंड्स पे। ये हमने इंजन ऑयल का बोल्ट और फिल्टर उतार दिया है, और इसको कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा था, इसलिए कुछ टाइम के लिए इसको खुला रहने दिया ताकि सारे तमाम लास्ट ड्रॉप्स तक निकल जाए। हम इसका एयर फिल्टर खोल रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे क्लम्स खोले, ऑटोमेटिकली ये उतर जाता है। आपने ज़ोर नहीं लगाना किसी भी चीज़ को, क्योंकि इसका कोई भी क्लम्प अगर टूट गया तो कस्टमर के लिए परेशानी होगी। ये इसका एयर फिल्टर देखें, ये बहुत ज़रूरी होता है चेंज करना, क्योंकि हमारी फ्यूल इकोनॉमी इस एयर फिल्टर पे डिपेंड करती है। ये काफ़ी ज़्यादा फिल्टी हो चुका है, ये देखें, आप देख रहे हैं कैसे डस्ट निकल रही है इसके अंदर से, ये गंदा हो चुका है, अब इसको चेंज करें। ये देखें, हम इसके एयर फिल्टर के कैबिन को अंदर से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे कपड़े की मदद से। आपने बिल्कुल भी इसको एयर नहीं मारनी, क्योंकि इसके अंदर फॉल्टर बॉडी में अगर डस्ट चली गई तो अंदर से कोई सेंसर ऑन हो जाएगा, या फिर ये पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगी। आपने इसको बहुत माइनर और सॉफ्टली कपड़े से साफ करना है। उसी के अंदर न्यू एयर फिल्टर इंसर्ट कर देंगे। अभी हमने इसको बिल्कुल इसके एजिस में बिठाना है पूरा, ताकि आराम से जैसे खुला था वैसे ही बंद हो जाए। इसके पीछे दो क्लिप हैं, जिसको जिसके अंदर आपने तीन क्लिप हैं, जिसके अंदर आप इसके कवर को दोबारा से रखेंगे, फिर ये देखें, ये अपनी बिल्कुल जगह पे आ गया। 1, 2, 3 और ये लास्ट 4 क्लम्प हमने इजीली बंद कर दिया। अगर ये फिल्टर ज़रा सा भी डी शेप होता, अंदर ना बैठा होता, तो ये क्लम्प कभी भी इतनी इजीली ना बंद होते। का कैबिन फिल्टर देखेंगे, देखिए आपने इसको बीच में से पुश करना है और ये खुल गया। ये कैबिन फिल्टर इसका लगा हुआ है, ओहो इज टू हेल्दी, ओह ये देख रहे हैं आप फिल्टर बिल्कुल। लेकिन इसको हम अभी गर्मियों में चेंज करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोग अपना हीटर यूज़ नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ डस्ट क्लीन करने के लिए ये कैबिन फिल्टर है। ये देखें, और ये इसका लिड दोबारा वापस, ये इसके एंड में देखें आप, ये दो किनारे बने हुए हैं जिसको हमने इसकी के होल्स के अंदर डाल देना है। ये एजेस को ये बिल्कुल परफेक्ट, इसकी ये स्ट्रिप बंद हो गई। अब ये देख रहे हैं आप, इसका ये एक और ये दो एजेस हैं जिनको आपने इन दो रूलर्स टाइप इसके ऊपर ये रोल करता है, इसको प्रेस करके इसको बैठाना है इसके ऊपर, ताकि जब डैशबोर्ड खोलें और बंद करें तो दोबारा तंगी ना हो। बिल्कुल इजीली दोबारा वापस लगा देंगे, ये देखें बहुत इजीली इसको टाइट कर दिया। अब इसका बोल्ट बंद कर देंगे हम, ये बोल्ट है इसका 14 नंबर का, इसको क्लॉकवाइज बंद होगा। ये देखें, इसको जेन्युइन वॉशर लगी हुई है, इसलिए इसे वॉशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेहतरीन वाइज अब टाइट कर देना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम लूज करते हैं। एक ज़्यादा इंजन ऑयल के बोल्ट को कभी भी इतना ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्लिप हो जाता है और अंदर से इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। 1
टू और थ्री, बस इससे ज़्यादा आपने इसको टाइट नहीं करना। 10W40 SN कैटेगरी का ऑयल डालेंगे, अमेरिकन ऑयल है ये, 3 लीटर इंजन ऑयल है जो इसमें डलता है। अब ये देखिए आप इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हो, 3 लीटर इंजन ऑयल इसमें डालना है। इसका टैपेट कवर का ढक्कन वापस लगा देंगे, ये देखिए। ये इसका ब्रेक ऑयल चेक करने के लिए हम नहीं उतारे, ये देखिए इसका ब्रेक ऑयल बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे है, इसका मतलब है कि हमें ब्रेक ऑयल टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं है। हमने मुकम्मल Daihatsu Move का ऑयल चेंज कर लिया है 2015 मॉडल का, ये देखें आप इसका बोल्ट बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब और फिल्टर से भी कोई लीकेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ऑयल बिल्कुल परफेक्ट चेंज हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अलकातर ल्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मुकम्मल वीडियो थी ऑयल चेंज की, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।